टाइम टेबल बनाना बहुत आसान है, लेकिन इसको फॉलो करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। टाइम तो उतना ही है, किसी आदमी के पास इस सृष्टि के अंदर 25 घंटे हैं क्या? नो, उस 24 घंटे के अंदर जो वैल्यू आप डालते हैं वो आपकी वेल्थ डिटरमाइन करता है। आप बिल्कुल भी टाइम मत लीजिए, अगर आपको ऐसा कुछ आपको करना है लाइफ में तो बिल्कुल टाइम मत लीजिए, इसको इमीडिएट करिए, क्योंकि यही उम्र होती है भागने की दौड़ने की। एक आइडियल टाइम टेबल को बनाना और उसको फॉलो करना एक आर्ट है, एक साइंस है, और 99% लोग इस साइंस को नहीं जानते हैं। सिर्फ 1% बच्चे जो दुनिया को टॉप कर रहे हैं ना, सिर्फ वो बच्चे उस साइंस को समझते हैं। और बच्चों, अगर आप भी उस साइंस को समझना चाहते हैं, अपनी एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं, 95+ स्कोर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हम वो चीज़ आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आप में से कई लोगों ने इस तरह का टाइम टेबल बनाया होगा कि यार 7 बजे उठना है, फिर उसके बाद ये करना है, फिर उसके बाद ये करना है। एक्चुअली में ऐसे टाइम टेबल को फॉलो करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब क्यों पॉसिबल नहीं है, हम इसके पीछे की कहानी को भी बहुत गंभीरता के साथ समझेंगे। बच्चों सोचो, आज की तारीख में आप सिर्फ 1 घंटे पढ़ रहे हैं, और ऐसा टाइम टेबल बनाने से आप उसके अंदर 10 से 12 घंटे पढ़ने का आपका सेल्फ स्टडी का शेड्यूल डाल रहे हैं। बच्चों, ये टाइम टेबल बनाना बहुत आसान है, लेकिन इसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अब हम समझते हैं कि यार ऐसा टाइम टेबल क्यों नहीं फॉलो हो पाता है, इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। इसके पीछे का साइंस कहता है कि जो ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन ब्रेन है, इसको हर चीज़ के लिए हमको ट्रेन करना पड़ता है। जब हम बहुत छोटे होते हैं ना, जैसे मैं जब बहुत छोटा था, जब जस्ट बोलना स्टार्ट कर रहा था, तो हमारे घर के जो मेरे पेरेंट्स हैं, उन लोगों ने मुझे हिंदी के वर्ड्स बोलना सिखाया। जब मैं स्कूल में गया तो टीचर ने ए फॉर एप्पल कैसे बनता है, ए कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ये सब चीज़ें सिखाई। मतलब उन सभी ने मुझे ट्रेन किया ए बनाने के लिए, बी बनाने के लिए, अ, अनाराम, सब कुछ सिखाने के लिए मुझे ट्रेन किया। ठीक है, मतलब मेरे माइंड को, मेरी बॉडी को ट्रेन किया कि यार ये वर्ड ऐसा बनता है, इसको ऐसा प्रोनाउंस करते हैं। अगर सोचो, वहीं पर अगर मैं चाइना में होता तो मुझे चाइनीज़ लैंग्वेज से ट्रेन किया जाता। मतलब हमारे ब्रेन को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत होती है। अब आज के दिन आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं, और अगले दिन आप 10 से 12 घंटे पढ़ने का टाइम टेबल बना चुके हैं, तो आपकी बॉडी, आपका ब्रेन इस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अब आपको ज़रूरत है ट्रेनिंग की। अब इसकी ट्रेनिंग कैसे होगी, यार आज अगर मैं 1 घंटा पढ़ रहा हूँ तो कल इसके अंदर 15 मिनट्स का इंक्रीमेंट करूँगा, उसके नेक्स्ट डे फिर 15 मिनट्स का इंक्रीमेंट करूँगा, तो यार धीरे धीरे देखते देखते अगले 10 से 15 दिन में आप 6 से 7 घंटे की इफ़ेक्टिव स्टडी करने लग जाएंगे। अब बच्चों, इफ़ेक्टिव स्टडी कैसे करी जाती है, 2 घंटे में 20 घंटे की पढ़ाई कैसे करी जाती है? अगर आप सिर्फ 2 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन उसको इफेक्टिवनेस के साथ पढ़ रहे हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी को अगर आप 10x इंक्रीज करना चाहते हैं, आप फास्ट लर्नर बनना चाहते हैं, तो यार ये जो वीडियो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी दे दूंगा, आप इस वीडियो पर जाकर इसको देख सकते हैं। आप गारंटीड इस वीडियो को देखने के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी 10 times इंक्रीज हो सकती है। अब बच्चों, इस टाइम टेबल में सेकेंड चीज ये दिक्कत है कि यार हमने ये जो इसके अंदर बनाया हुआ है, इसके अंदर हमने लिख दिया भाई कि 2 से 5 बजे तक हमको स्टडी करनी है, अगर ठीक है, फिर हमने लिख दिया 6 से 7 बजे तक सेल्फ स्टडी करनी है। तो सोचो, ये आपने स्टडी लिख दिया, सेल्फ स्टडी लिख दिया, अभी हम क्लास 9-10th में, तो हम छोटे हैं, तो हमारा माइंड इतना कन्फ्यूज रहेगा कि यार इस टाइम पर मैं क्या पढ़ूँ, मैं मैथ्स पढ़ूँ, साइंस पढ़ूँ? अगर मैथ्स पढ़ूँ तो RD शर्मा करूँ, RS अग्रवाल करूँ, NCERT करूँ, या फलाना कोई सी किताब करूँ, YouTube वीडियो देखूं, या क्या करूं? तो भाई, अगर आपने इस तरह का टाइम टेबल बनाया है जिसके अंदर आपने स्पेसिफिक नहीं लिखा है कि आपको क्या पढ़ना है, आपको अगर नहीं पता है कि क्या पढ़ना है, आपके पास एक आइडियल प्रैक्टिकल टाइम टेबल नहीं है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखो। आप एक ऐसा टाइम टेबल बना चुके होंगे जिसको आप फॉलो भी करेंगे और 95% स्कोर भी कर रहे होंगे। बच्चों, इस वीडियो के एंड में हम आपको
दो ऐसे रूल्स बताएंगे जिसकी मदद से ये गारंटी हो जाएगी कि आपके 95 प्लस मार्क्स आने वाले हैं। हे एवरीवन, दिस इज अनुकुल पाटिल एंड आई होप कि आप सभी आपकी 9th-10th की स्टार्टिंग जर्नी को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हो। तो चलिए एक ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं जो आपको 95 प्लस स्कोर भी कराएगा और उस टाइम टेबल में आपके दोस्तों के साथ बकैती करने का टाइम भी आपके पास रहेगा। क्योंकि याद रखना, आप जिस क्लास में हैं ना अभी, यहीं पर सबसे ज़्यादा मेमोरीज, सबसे प्यारे, सबसे अच्छे दोस्त, सबसे सच्चे दोस्त भी इसी क्लास में बनते हैं। तो बच्चों, बहुत ध्यान से इस पूरे साल को बिताना है, पढ़ना भी है लेकिन मेमोरीज भी बनाना है, दोस्तों के साथ घूमना भी है, दोस्तों को भी टाइम देना है। अब बच्चों, मैं ऐसा मानता हूँ कि यार सवेरे 7 बजे आप सभी स्कूल जाते होंगे और लगभग 2 बजे के आसपास घर पे आ जाते हैं, ठीक। 2 से 3 बजे तक आप आराम से सोइए, खाइए, पिए, जो भी करना है वो करिए। 3 बजे से 8 बजे तक का आपके पास टाइम अब है। ये लगभग अगर ध्यान से देखें तो 5 आवर्स का टाइम है। इसके अंदर अगर आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या जहां पर भी जा रहे हैं तो 2 आवर्स का लगभग कोचिंग मान लेते हैं। आना जाना, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ना, सब ये 2 घंटे में होगा। नेक्स्ट 2 आवर्स हम मान लेते हैं आपकी सेल्फ स्टडी के और 1 घंटा हम मान लेते हैं आपकी दोस्तों के साथ बकैती। आप सुनो, ये जो 2 आवर सेल्फ स्टडी वाला है ना, इसको कैसे यूटिलाइज करना है ये काम का है। हो सकता है कि यार 3 से 4 में आप ये सेल्फ स्टडी का एक टाइम निकालो और एक टाइम आप 6 से 7 में निकालो, 7 से 8 आप दोस्तों के साथ घूमो। ये 5 घंटे में आपको अरेंज करना है कि कैसा है। सबका टाइम टेबल अलग हो सकता है, किसी की क्लासेस 4 बजे से 6 बजे तक होगी तो किसी की 5 बजे से होगी, ठीक है। अब सुनो, ये जो 2 घंटे बचे हैं इसको कैसे यूटिलाइज करना है ये ध्यान देना। सबसे मेन चीज आती है कि यार मैथमेटिक्स हमारा मांगता है प्रैक्टिस, ठीक है। तो प्रैक्टिस कैसे करना है यार, सबसे पहले 5 से 10 मिनट आपकी स्कूल के अंदर, ठीक है, स्कूल का जो मैथ्स है ये आप सिर्फ पन्ने पलटा के देखो कि स्कूल के टीचर ने क्या पढ़ाया है, ठीक है, जो भी उनने पढ़ाया है। उसके बाद आप 15 मिनट्स स्कूल का मैथ्स का होमवर्क कर लो। कर लिया, मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है, हर एक चीज का बताएंगे। अभी आपका लगभग 15 और 5 20 या 20 से 25 मिनट्स का काम हो चुका है। चलो नेक्स्ट, आप कोचिंग भी जाते होंगे, मैथ्स की जाते होंगे, तो मैथ्स की कोचिंग लगभग 1 घंटे की लगती है। बच्चों, स्कूल में इतना कम टाइम क्यों? देखो, आपकी स्कूल में लेक्चर जो लगता है वो 30 से 35 मिनट का लगता है ना। अब उसमें टीचर आएगी जाएगी, थोड़ी बहुत बच्चों से बात करेगी, तो उन्हें पढ़ाया 15 से 20 मिनट ही है। वो 15 से 20 मिनट में जो पढ़ाया उसके पन्ने पलटने में आपको इतना टाइम ही लगेगा। अगर आप बहुत अच्छा इफेक्टिवनेस के साथ पढ़ना चाहते हैं इस 15 मिनट में, तो आप होमवर्क कर सकते हैं। और ये 15 मिनट को कैसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो हमने वीडियो आपके साथ लिंक शेयर करा है कि कैसे एक फास्ट लर्नर बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपकी कोचिंग जो लग रही है वो उसमें लगभग 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है, ठीक है। आपने कोचिंग का मैथ्स यहाँ पर क्या कर लिया, रिवाइज करा। अब सुनो, 15 मिनट्स आपने रिवाइज करे, इसके बाद आप 15 मिनट क्या कर लो, कोचिंग का होमवर्क कर लो, ठीक है। अब ये 30 मिनट और इसको अपन मान लेते हैं लगभग 20 से 25 मिनट ये हो गया। आपने मैथ्स जो पढ़ी है वो आपने दे दिया 50 से 55 मिनट, ठीक है, ये बात सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब सुनो, अब क्या होता है कि अब हमने ये मैथ्स की कहानी करी, अब हम बात करते हैं साइंस की। यह साइंस में आपकी स्कूल में वही कहानी है, 35 मिनट्स का लेक्चर, टीचर आएगा जाएगा कुछ भी करेगा पढ़ाएगा, तो 10-15 मिनट पढ़ाया है। जो भी उन्होंने पढ़ाया है, जो भी पढ़ाया है साइंस में, उसमें क्या करेंगे, या ऐसा समझो 10 से 15 मिनट का ले लो, इसमें क्या करो, जो भी साइंस में, यार देख, एक दिन में पूरा चैप्टर तो आपकी स्कूल में नहीं पढ़ाते, एक चैप्टर के 1 पेज या 2 पेज या मैक्सिमम 3 पेज पढ़ाते होंगे, वो 3 पेज या 2 पेज जो भी हम 10 से 15 मिनट में आसानी से रीड कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करो यार, 10 मिनट के अंदर
जो भी इसका होमवर्क है ना वो निपटा लो। आपके यहाँ पर कितने हो गए? लगभग 25 मिनट हो गए, ठीक है। अब आपका लगभग अगर बहुत ज़्यादा मैक्सिमम माने तो 1 hour 20 minutes यहाँ पर हो चुके हैं। अब क्या करना है? सोशल साइंस है, सोशल स्टडीज जो होता है उसके अंदर क्या करेंगे, 15 मिनट जो भी पढ़ाया है सेम कंसेप्ट क्या करेंगे यहाँ पे रीड। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों में भी 10 मिनट, और 10 मिनट के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी स्कूल में पढ़ाया या तो रीड करो या तो यहाँ पर होमवर्क करो। सारे सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, हमने पढ़ा कितनी देर है, ये 55 और ये 25, ये कितना हुआ 1 hour 20 minutes, और ये हो गया 10 और 10 20, मतलब 1 hour 40 minutes हो गए, और 15 मिनट, ठीक है, मतलब 1 hour 55 minutes हमने कितना पढ़ा, 1 hour 55 minutes हमने पढ़ा है और हमारे सारे चीज़ें कवर हो गई। अब देख इसके बाद है ना 10 से 15 मिनट ना हमको किस में देना है, होमवर्क में। यार इसके अलावा अगर हमारा कोई होमवर्क छूट गया है, ठीक है, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीका है, और इफ़ेक्टिव स्टडी के लिए आपको नीचे हमने लिंक दे दी। अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि यार इन सब्जेक्ट में हमको डेली होमवर्क नहीं मिलता, सभी सब्जेक्ट में डेली होमवर्क नहीं मिलता है ना। अब डेली अगर होमवर्क नहीं मिल रहा तो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, क्या सॉल्व करेंगे? डेली ना ही कोचिंग में होमवर्क मिलेगा, ना ही आपको डेली स्कूल में होमवर्क मिलेगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि किसी सब्जेक्ट का लेक्चर ही नहीं लग रहा है या उस सब्जेक्ट में पढ़ाई नहीं हुई है, ठीक है। तो उस टाइम पर हम किसको फॉलो करेंगे, हम फॉलो करेंगे रेफरेंस बुक को। अब बच्चों किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी रेफरेंस बुक अच्छी है ना, 10th क्लास के लिए जो टॉपर के लिए अच्छी होना चाहिए ना, वो हमने नीचे शेयर करा है, ठीक है। तो बच्चों उस लिंक पर जाओ, आपको मिल जाएगा कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक बेस्ट है, वो आपको वहां पर मिल जाएगी। और अगर आप क्लास 10th के साथ IIT JEE नीट जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको जो बुक्स चाहिए ना, वो भी हमने जो हमारा ये वीडियो है ना बेस्ट बुक्स वाला, उसके अंदर हमने आपसे शेयर करा। वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको IIT JEE नीट के लिए कौन सी बुक चाहिए उसके लिए भी अलग हर एक सब्जेक्ट के बारे में बता के रखा है। बच्चों अब दो वो चीज़ें जो आपको गारंटीड 95+ स्कोर कराएगी, पहली चीज़ है सी रूल, मींस कंसिस्टेंसी रूल। बच्चों जो भी टाइम टेबल, जो भी शेड्यूल हमने आपके साथ शेयर करा है, अगर आप इसको डेली फॉलो करते हैं तो यार गारंटीड आपके 95+ मार्क्स आने वाले हैं। अब सेकेंड चीज आती है लर्न टू से नो। बच्चों मान लो अगर आपने 3 बजे से 5 बजे का टाइम अगर सेल्फ स्टडी का रखा है, इस टाइम के बीच में आपके घर वाले आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं, दोस्त बुलाने आ रहे हैं, किसी का मैसेज आया है, किसी का इंस्टाग्राम पे मैसेज आया है, इस टाइम पर सबको बोलना है नो। नो मीन्स नो। अगर आप इस चीज को खुद से स्ट्रिक्ट होकर फॉलो कर लेते हैं ना, तो यार 95 क्या, आप 98+ स्कोर कर सकते हैं। तो बच्चों हमने जो भी आपको बताया है ये टाइम टेबल को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके 95+ मार्क्स पक्के हैं, ठीक। बच्चों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है ना, तो यार आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, आपके एक दोस्त के साथ इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके साथ साथ उसका भी फायदा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों जल्दी मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ, तब तक के लिए खूब मस्ती करो, खूब पढ़ो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहो। ऑल द बेस्ट।